लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल पर अदाकार जितने भी हैं उनके रिएक्शंस आ रहे हैं और ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। इस वक्त सीनियर अदाकार और कॉमेडियन जॉनी लीवर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जॉनी लीवर साहब आपने वक्त दिया। बहुत से कॉमेडियंस ऐसे हैं, अदाकार हैं, जिन्होंने इंस्पिरेशन ली उमर शरीफ साहब से, बहुत सोने सीखा और फिर वो भी कॉमेडी किंग कहलाए। आप क्या कहेंगे इंतकाल की खबर सुनने के बाद, आपके तासुरात क्या हैं? एक बड़ा खला पैदा हो गया है कॉमेडी की फील्ड में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा लॉस है भाई। देखिए ना, ये इनकी तबीयत इतनी खराब थी तो सब लोग दुआई कर रहे थे, लेकिन क्या करें, बैड लक के वो चले गए। हालांकि दुआ कर रहे थे कि ठीक ठाक होकर के, सेहतमंद होकर के वापस आ जाए, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, खुदा की मर्जी है। लेकिन ऐसे लोग कहाँ मरते हैं भाई, तो जिंदा रहते हैं फनकार लोग, कहाँ जाते हैं, बिल्कुल रहते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं, राज करते हैं। बहुत बड़े फनकार थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, क्या कहने, उनकी तारीफ में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि एक अलग ही था, उनको अलग ही गिफ्ट से नवाजा था खुदा ताला ने मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। उनको बहुत ही एडवांस थे, बहुत आगे थे, वो आगे की सोचते थे, उनकी सोच बड़ी थी। मैं उनके साथ, मुझे बैठने का मौका मिला, मुझे 1990 में जब आए थे हम लोग, दो चार दिन साथ में मिलना जुलना हुआ, जब यहाँ किसी फिल्म के लिए आए थे वो, तो उस वक्त मैंने उनको समझने की कोशिश की और थोड़ा समझा भी कि यार ये आदमी बड़ा आदमी है यार, कोई अंदर कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ है, कोई तो है, ये इनकी सोच बड़ी है। आपको सुनने में ऐसा लगेगा यार ये बढ़ाई कर रहा है अपनी, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लेकिन नहीं, वो कॉन्फिडेंस के साथ में जिस तरह बात करते थे तो मुझे लगता था वाकई ये आदमी कुछ है, ये यार कुछ तो है, एक अलग बोलता है ये, आगे ये और भी कुछ करेगा, कमाल करेगा। और वाकई बड़े बड़े काम किए उन्होंने, आगे जाके उन्होंने फिल्में बनाई, बड़े बड़े शोज किए। बकरा किस्तों के बाद ये बात कर रहा हूं मैं, 1990 में, और बकरा किस्तों में मेरे ख्याल 88 में 89 में आई थी। सुन रहे भाई आप? जी जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो उन्होंने करके बताया, मिनिस्टर बने, क्या मिनिस्टर लीडर बने, मिनिस्टर बने, फिर क्या नाम है, प्रोड्यूस किए, फलाना किए, कुछ चैरिटी भी करते थे वो, उन्होंने एक अस्पताल बनाने की सोची, किया कि नहीं मालूम मेरे को, अस्पताल भी बना रहे थे। तो ये बड़े लोग ही कर सकते हैं भाई, ये मामूली बात नहीं है, तो वो करके बताया। कम आर्टिस्टों को मौका मिलता है और उन्होंने ये कब सब काम किया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। और आर्टिस्ट और जैसे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर के लेवल जो है ना, बहुत ही ऊंचा लेवल था। अच्छा जॉनी भाई, आपने बेशुमार कैरेक्टर्स किए आपने भी मुख्तलिफ फिल्म्स में, ऐसा हुआ कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि आपने कोई कैरेक्टर आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें कॉमेडी किस तरीके से की जाए या क्या अंदाज अपनाया जाए, तो ऐसा हुआ कि आपने उनसे इंस्पिरेशन ली हो, उमर भाई को देखा हो, उनके ड्रामे देख के और फिर वो कैरेक्टर निभाया हो? नहीं, वो ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतना बिजी था उन दिनों, जब उमर भाई का जो बकरा किस्तों में आया तो मैं फिल्मों में इतना बिजी था कि मेरे पास तो उतना टाइम ही नहीं होता था, ये बहुत कम मौका मिलता था तो मैं इनके प्ले वगैरह देख लेता था, समझे कि नहीं। लेकिन इतना है कि शो में जो है ना, शो जो करते थे उमर शरीफ शो टेलीविजन पे, वो इंटरव्यूज वगैरह लेते थे ना जी। अच्छा, इंडिया में जो परफॉर्म किया उमर भाई ने, इंडिया में वहां कैसी पजीराई मिली और कैसे लोगों ने उनको? नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा, यहाँ पे लोगों को उन्होंने बहुत ही खुश किया भाई, बहुत पागल कर दिया लोगों को, क्या बात है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। इनके जो टेलीविजन पे शो होते हैं ना, उमर शरीफ शो जी जी, प्लेस के अलावा, ये जो ड्रामास के अलावा, उमर शरीफ जो शो इंटरव्यूज वगैरह लेते ना ये जी जी, हाँ ये जो वो बहुत मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वो काम मैं नहीं कर सकता था, वो मेरे काम नहीं है। तो मैं जब जब वो सवाल करते थे, वो जब जवाब देते थे, और इनको मालूम होता था क्या जवाब देगा ये, क्या देगा और कितना बोलेगा ये, कि है क्या ये, कितना इससे ज्यादा बोल ही नहीं पाएगा, मैं ये पूछूंगा तो ये जवाब इसका ये होगा। तो ये इतनी लंबी सोच, इतने आगे थे वो, उस पर उन्होंने क्या होमवर्क किया पता नहीं, क्या उन्होंने स्टडी थी, वो जो काम में ना हम लोग वो काम नहीं कर सकते, वो मैंने कभी किया ही नहीं,
और जिस तरह वो बड़े बड़े शोज में एंकरिंग जैसे मोइन भाई करते थे, ऐसे ये क्योंकि मैंने ये काम कभी नहीं किया, होस्टिंग वेस्टिंग करना जो है ना, ये इसमें ये लोग मास्टर थे उमर शरीफ, क्योंकि बोलना जानते थे वो और वो लिखते भी थे और उनके पास अल्फाजों का जखीरा था, समझे कि नहीं, तो ये इसमें मास्टर थे। ये सब चीज़ें जो है ना वो हम लोग, मैं कभी कभी सोचता यार ये मुझे नहीं आता, ये कभी कभी सीख रहे हैं इनको, ये इनसे लेना है मुझे तो, मगर मैं मेरे काम आएगा, डेफिनेटली काम आएगा, लेकिन बहुत से लोगों ने लिया है उमर शरीफ से, उमर भाई से बहुत से लोगों ने इसका किया, पाकिस्तान में बहुत से लोग उनकी कॉपी करते हैं और करना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। बहुत ही ऊंचे फनकार थे इसमें कोई शक नहीं साहब, आगे थे, बहुत आगे थे, एडवांस थे उमर भाई जी। सलामत रखिए भाई, उनकी रूह को सुकून दे खुदा ताला, ये हमारी दुआ है भाई उमर भाई के लिए। आमीन। बहुत शुक्रिया जौहरी भाई, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया।